Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. How are you students? I hope you are fine with the grace of Almighty Allah. Beta, aaj hum exercise 5.2 question number 4 ka part number 1 karenge. Jo same as it hai jis tarah ke humne previous lessons mein kiya hua hai. Lekin yahan par question hai ke humne divide karni hai value aur remainder find karna hai agar koi bachta ho to. Beta, same wahi formula main aapko repeat kar deta hu, wahi cheeze jo pehle lesson mein humne isse ki hain. कि आपने फर्स्ट डिजिट से देखकर फर्स्ट डिजिट को पूरा कंप्लीट करना है, यानी कि पहला साइन, फिर कोफिशिएंट एंड देन वेरिएबल. देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है 1282 है और यहां पर 3a है. हम सबसे पहले देखिए साइन प्लस क्या है, तो पहली वैल्यू में प्लस की चाहिए होती, साइन हम नहीं लगाते कोई उसके साथ. फिर हमें 12 बनाना है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया. लेकिन यहां पर एक ही 2 है और यहां पर एक ए है, तो एक ए यहां पर लगा देंगे. यानी कि 4a को मल्टीप्लाई करेंगे 3a के साथ, तो हमारे पास 4 3 12 a और a एक ही 2 बन जाएगा. अब सेम ये वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होनी है, 4 4 16 ab, तो यहां पर ab वाला वेरिएबल अवेलेबल है, तो हम 16ab इसके नीचे लिख देंगे. अब क्योंकि साइन चेंज करने, दोनों के प्लस है दोनों माइनस होंगे, ये प्लस माइनस होके खत्म हो गया 12a की 2 के साथ. लेकिन यहां बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालें, 16 से 7 निकालें तो माइनस का 9ab एज इट साथ लिख दिया. ऊपर से 12 माइनस 12b की 2 को हमने इसके साथ नीचे लिख दिया बेटा. अब देखें जो वैल्यू बनानी है वो हमने बनानी है -ab. ये 3a है, सबसे पहले हमें साइन चाहिए माइनस का, वो हमने लगा दिया माइनस का. फिर 3 3 9 9 हमारे पास पूरा हो गया. फिर ए बी, यहां पर ए मौजूद है यहां पर, लेकिन हमें बी भी चाहिए साथ में, तो हमने यहां पे 3b से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 9 ए और बी, ए बी लिख दिया. अब साइन ये ऊपर से वैल्यू नीचे लेके वो 7 है. अब 4b की 2 को 3b की 3b से, यानी कि 4b को 3b से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, 3 4 12 बी और बी, बी की 2. आप इनके साइन चेंज कर लिए, ये प्लस होकर भी ये भी कट जाएगा, ये प्लस होकर इससे कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास 0 आ गया. यानी कि इसका रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 बचता है. अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 पर, वही क्वेश्चन है. देखिए इसका पार्ट 2 कैसे करना है. अब हमारे पास 6x की 5 है, यहां पर 2x की 5 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ 6 बन गया, यानी कोफिशिएंट पूरा हो गया, x की 2 और x की 3, तो x की 5 बन गया. अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9x की 3 आना है, ये x की 4 है, तो ये x की 3 है, तो 9x की 3 माइनस का सेम वेरिएबल के नीचे लिख दिया. ये प्लस माइनस होके कट गया. अब ये 4x की 4 नीचे आ गया, और यहां पर नीचे क्या आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू -27, प्लस की वैल्यू से निकाल दी तो -18x की 3, बाकी जो रिमेनिंग सारी वैल्यू वो हमने यहाँ पे नीचे लिख दी उसके साथ. अब बेटा 4x की 4 बनाना है हमें, तो देखिये 2x की 2 को 2x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x की 4, और यही वैल्यू जब -3 से मल्टीप्लाई होगी, -3 2 6x की 2, तो x की 2 की वैल्यू के साथ नीचे लिख दिया. ये कट गया, ये एज इट नीचे आ गया बेटा 18x की 3, और इनमें बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो -x की 2, बाकी जो दोनों वैल्यू थे हमने एज इट उसके साथ लिख दी. सेम उसी तरह बेटा -18x की 3 बनाना, हमें यहाँ पे माइनस रिक्वायर्ड है, तो हम पहले माइनस यहां पे लगा दिया, क्योंकि यहां पे हमें माइनस आ गया था, 2 9 18, एक्स की 3 था तो एक एक्स इधर लगा दिया, तो 9 2 18, एक्स की 2 और एक्स एक्स की 3 बन गया. ठीक हो गया. जब बेटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस, 9 7 27 और एक्स 7 में आ जाएगा बेटा. ठीक हो गया, ये बात इसे हम साइन चेंज हुए, ये कट गया, -x की 2 ऐसे आ गया माइनस, और इसका साइन भी माइनस है चेंज होने के बाद, साइन वही रहेगा, वैल्यूज आपस में ऐड कर देते जाते, 27 27 54 आ गया और -6x आ गया बेटा. ये वैल्यू क्योंकि यहां पर माइनस है और x की 2 है, लेकिन यहां पे 2x की 2 है, इससे छोटी वैल्यू होगी, तो लिहाजा यहाँ यही हमारा रिमाइंडर है और यही हमने फाइंड करना था. ठीक हो गया बेटा. आपने जो ही ये क्वेश्चंस करने हैं, आपने फिर उसी कुलियों को याद रखें, उसी फार्मूला को, उसी मेथड को मैं रिपीट कर रहा हूं. फर्स्ट डिजिट को देखना है और इसके फर्स्ट डिजिट को देखना है, ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि ये पूरे का पूरा फर्स्ट वैल्यू पूरे की पूरी बनती जाए. आप हर स्टेप में बेटा देखें, हमने कोशिश की है कि हमारी फर्स्ट वैल्यू पूरी हो जाए. अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू पूरी होती जाती है, सेकेंड वैल्यू आपने अगर तो उसमें वैल्यू मैच होती है तो उसके नीचे लिख दें, नहीं तो साहब का लेसन में देखा जो मैच नहीं होती थी हम साइड पे लिख देते थे, तो साइड से लिखने से ये होता है कि वो नेक्स्ट वैल्यू में आगे जाके
सॉल्व होती जाती है। फार्मूला मेथड याद रखें कि आपने फर्स्ट वैल्यू को कंप्लीट करना है और सॉल्व करते जाना है। और फर्स्ट वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए तीन चीजों का ख्याल रखना है, सबसे पहले साइन का, फिर कोफिशिएंट का और देन वेरिएबल का। इनका आप ख्याल रखें, आई होप कि आप सारे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।